दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, युवाओं के बाल झड़ने से रोकता है गाजर और पालक। दोस्तों, गाजर और पालक युवाओं को कम उम्र में बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा दिलाता है। यूं तो आप जानते ही हैं कि गाजर बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हम गाजर का सेवन करते हैं तो लगभग हम सारी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं और ये हमारे आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। साथ ही पालक भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और ये हमारे शरीर की लगभग बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी गाजर और पालक से बना एक ऐसा जूस जिसके इस्तेमाल से युवाओं को कम उम्र में बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आज के डेट में ज्यादा धूप में घूमना, स्ट्रेस लेना और धूल मिट्टी की वजह से, साथ ही अच्छी तरह अपने ऊपर ध्यान नहीं देने की वजह से बालों का झड़ना बहुत ही आम बात हो गया है। और आज के डेट में बालों के लिए बहुत सारी दवाइयां भी आ रही हैं। बहुत सारे लोग दवाइयों की सहायता से अपने बालों को सुंदर और घना और मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इससे उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता, साथ ही बाल और झड़ने लगते हैं। लेकिन कम उम्र में अगर आपके बाल झड़ते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी गाजर और पालक के इस्तेमाल से आप बहुत जल्द इससे छुटकारा पा जाएंगे और आप अपने बालों को घना, मजबूत और लंबा भी कर सकते हैं, वो भी मात्र गाजर और पालक के इस्तेमाल से। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको चाहिए 8 गाजर। आप गाजर को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और इसे अच्छी तरह पीस कर इसका जूस निकाल लें। अब आप 1 गिलास पालक का, कच्चे पालक का जूस निकाल लें। अब इन दोनों को मिक्स करके आप दोपहर में इसका इस्तेमाल जरूर करें। आप चाहे तो इसमें स्वाद के लिए सेंधा नमक को मिला सकते हैं। इसको जरूर इस्तेमाल करें और इसके बाद भोजन के करीब आधा या 1 घंटा पहले आप गाजर, चकुंदर, प्याज और हरा धनिया का सलाद जरूर खाएं। दोस्तों, इसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस होता है जिससे आपके बालों का झड़ना रुक जाता है और आप गंजेपन के शिकार नहीं होते हैं। इस सलाद के इस्तेमाल से आधे या 1 घंटे बाद भोजन करें, लेकिन याद रखें दोपहर में आपको कम से कम 1 गिलास गाजर और पालक के जूस का सेवन करना है। आप इसमें स्वाद अनुसार संधा नमक मिला के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही शीर्षासन और स्वर्गासन जरूर करें। ऐसा करने से आपके खून की संचार आपके सर की ओर होने लगता है और जिसकी वजह से आपको बाल का झड़ना यानी गंजेपन का शिकार नहीं होना पड़ता। दोस्तों, इस उपाय को करके आप बहुत जल्द अपने झड़ते बालों को रोक सकते हैं। युवाओं के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि असमय बाल झड़ने की समस्या से यह आपको बहुत ही अच्छी तरह और बहुत ही जल्द मदद करता है और आपके बाल झड़ना रुक जाते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, युवाओं के झड़ते बालों को रोकता है गाजर और पालक। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आज से ही गाजर और पालक के जूस का इस्तेमाल करके अपने झड़ते बालों को, असमय झड़ते बालों को रोकेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।